नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आज का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए भी एक अहम दिन है, और साथ ही जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो लालू राबड़ी परिवार के लोग हैं, वो लोग भी आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले के सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को अन्य सभी मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव फिलहाल सजायाफ्ता है, और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन याचिका दाखिल किया था, जिसको स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को ही सुनवाई करने का फैसला लिया था, लेकिन तारीख आगे बढ़ा दी गई और 27 नवंबर का तारीख मुकर्रर किया गया, और आज के दिन ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लालू परिवार के जो लोग हैं, वो आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज लालू प्रसाद यादव जेल से छूटेंगे और छूटकर सीधे घर पटना लौटेंगे, क्योंकि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की ओर से वकील ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल किया है, उसमें जिक्र किया गया है लालू प्रसाद यादव के सेहत को ध्यान में रखते हुए जिक्र किया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि काट ली है, और इस लिहाज से झारखंड हाई कोर्ट लालू प्रसाद यादव को जमानत दे, क्योंकि उम्र भी अधिक है, सेहत भी ठीक नहीं रह रहा है। ऐसे में लालू परिवार के साथ रहेंगे तो खुद को ठीक महसूस करेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है, कम होते नहीं दिख रही है, क्योंकि बिहार में एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद PIL दाखिल किया गया, और साथ ही कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बिहार की सत्ताधारी दल है, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, पूरी तरीके से आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में आज का दिन अहम है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के लिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, और हाईकोर्ट तय करेगा कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को जमानत फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सत्ताधारी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं उनके खिलाफ अन्य कई मामले भी दर्ज कराए गए हैं, PIL दायर किया गया है। साथ ही कह सकते हैं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को घेरने की तैयारी में पूरी तरीके से बिहार में सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी लगी हुई है। तो वही झारखंड के मुख्य जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को घेरने में जुटी हुई है। ऐसे में आज 27 नवंबर का जो दिन है, वो आरजेडी चीफ के लिए काफी अहम दिन है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के 5 मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को जमानत 4 मामलों में मिल गया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज एक अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कल ही लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से एक बार फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रखा गया। इससे पूर्व भी कमरा नंबर 11A में लालू प्रसाद यादव रहते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए आरजेडी चीफ को रिम्स के डायरेक्टर के आवास पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब आरजेडी चीफ रिम्स में है, रिम्स के पेइंग वार्ड में है। ऐसे में देखना भी दिलचस्प है, पूरा बिहार जिसका इंतजार कर रहा है, क्या झारखंड हाईकोर्ट लालू प्रसाद यादव को जमानत देती है या फिर नहीं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।